अंडर द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वी आर गोइंग टू स्टडी द आइडिया ऑफ रिवील्ड प्रेफ अ वेरी यूनिक आइडिया दैट वॉज प्रजेंटेड बाय पॉल समल एंड एक्चुअली वेन वी स्टडी द कंज्यूमर डी वैन देर आर द टू वेरी एविडेंट आइडियाज दैट वी मोस्टली स्टडी और जो मोस्टली स्टूडेंट्स आपने भी सुने होंगे मीन्स वन रिलेटेड टू द यूटिलिटी दैट इज़ द कार्डिनल अप्रोच द अदर द आर्डिनल अप्रोच जिसमें हम इन डिफरेंस टर्वस को बेतहाशा सारी बुक्स में अगर हम देखें तो हम पढ़ रहे होते हैं दिस इज़ द थर्ड आइडिया दैट इज़ द रिवील्ड प्रेफरेंस और जिसके बारे में अगर हम देखें तो यूटिलाइजेशन ऑफ जो टेक्निक्स है वो वही है मोस्टली जो हमारे बाकी दो में है लेकिन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज समिफरेंट दैट इज स्टडी तो रिवील्ड प्रेफरेंस का जो आइडिया है अगर हम उसको सादा अल्फाज में समझें तो वो ऐसे है कि जब हम किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर उसकी परचेजेस से लगाएं कंज्यूमर से ना उसकी प्राइसेस ना उसके इनकम के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे रादर वट आवर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ फ्राम द ऑब्ज़रवेशंस दैट वी गैदर फ्राम द डिफरेंट कंजम्पन बंडल्स डेट अ कंज्यूमर इज़ गोइंग टू बाय अब अगर हम इसमें देखें तो इनकम एंड द अदर प्राइसिस दे आर कैप्टेंट और इस एनालिस के दौरान जो भी इनकम है उसकी कंज्यूमर की और जो भी प्राइसिस हैं वेरियस कमोडिटीज़ की हम उसकी किसी भी चेंज को इसमें अनेलिसिस में नहीं लेते तो ऑब्जरविंग द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर फ्राम द अनऑब्ज़र्वेबल प्रेफ्रेंसिस मीन्स वो प्रेफ्रेंसिस या वो डिसीजन हो सकता है ये उसने शौरी कोशिश के तौर पर ना किए हों ये उसकी कोई लाशौरी पसंद नापसंद के तौर पर भी हो तो हम जब उनको कैप्चर करते हैं उसको एनाल करते हैं दैट विल बी द रिवील्ड प्रैफ्ट अब जब हम इसके एजम्पन्स पर आते हैं कि अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसके एजम्पन्स में हमारे पास ये एक पहली एजम्पन ये है कि देर शुड बी यूनिक बंडल्स जो कि कंज्यूमर डील कर रहा हो और उसको परचेज़ कर रहा हो अब इसमें अगर हम देखें तो कंज्यूमर कभी भी एक कमोडिटी के बारे में जब भी परचेज़ कर रहा होगा तो शायद हम इस रूल को उस पर अप्लाई ना करें दिस इज़ ऑलवेज पॉसिबल व्हेन कंज्यूमर इज़ फेसिंग वेरियस कमोडिटी बंडल्स अब इन वेरियस कमोडिटी बंडल्स में ये भी मुमकिन है कि एक बंडल में भी वही अशियाँ हों किसी दूसरे बंडल में भी वही अशियाँ हों अगर मैं इसको कहूँ कि एक बंडल ऐसा है जिसमें हम कहें कि सेब और माल्टे हैं उसी तरीके का एक और बंडल है उसमें भी सेब और माल्टे हैं लेकिन एक में पांच सेब और चार माल्टे हैं दूसरे में पांच माल्टे और चार सेब हैं तो कहने को तादाद उसमें भी पूरी है दूसरे में भी इक्वल है लेकिन कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो सकता है किसी एक कमोडिटी के लिए ज़्यादा हो तो उसकी तादाद जिसमें है वो एक बंडल को ट्रीटमेंट अलहदा देगा कि ये एक कंप्लीट बंडल अलहदा है और हो सकता है किसी एक बंडल में किसी एक चीज़ की अमाउंट ज़्यादा हो और दूसरे की कांस्टेंट हो यानी एक में भी चार माल्टे हों दूसरे में भी लेकिन एक में से पांच हो जाए और दूसरे में चार तो जिसमें तादाद बढ़ जाएगी वो उसको भी एक सेपरेट बंडल देखेगा तो अब हम अगर देखें तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी हो सकती है कि वो इस बास्केट ए बास्केट बी बास्केट सी कुछ भी है सभी को ख़रीद सकता हो लेकिन जिस बास्केट को जिस बंडल को वो परचेज़ करेगा तो उसके लिए हम कहेंगे कि दिस बास्केट और दिस बंडल इज़ प्रेफर्ड टू द अदर्स क्योंकि अफोर्डेबिलिटी उसके पास तीनों बंडल्स की थी दो बंडल्स की थी लेकिन जिसको उसने एक्चुअली ख़रीदा है वो उसके बारे में हम कहेंगे कि ना चाहते या चाहते किसी भी फॉर्म में उसने अपनी प्रेफरेंस, उसने अपनी चाहत उसने उसके लिए अपनी तरजीह उसको एक्सप्रेस कर दिया है और वो वाला बंडल वो कम्बिनेशन जो उसने परचेज़ किया है उसको हम कहेंगे कि ये उसका ऑप्टिमल बंडल है या उसकी तरजीह के बुनियाद पर पसंदीदा बंडल और इसके लिए जो मेन अजम्पन्स जो है वो हम पहले भी जिस तरह तो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते रहे हैं यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वो यही है कि जो हमारा इनकम की लाइन या इनकम का बंडल है वो रूल हमेशा हमारे पास होना चाहिए वो ये कि अगर हम पहला बंडल ले रहे हैं तो उसकी भी प्राइस और क्वान्टिटी और दूसरी शेयर का मिला के ये दोनों का एक बंडल बन गया तो दिस बंडल इज़ इन द फिजिबल और द अफोर्डेबल लिमिट ऑफ द कंज्यूमर मीन्स इसकी टोटल एक्सपेंडिचर आइदर इट इज लेस और इक्वल टू द इनकम एंड लाइकवाइज अगर एक दूसरा कंबिनेशन हम ले रहे हैं एक्स वन और एक्स टू का बंडल तो इसका भी जो तो टोटल खर्च या बनता है वो इट शुड बी इक्वल टू द इनकम और इट शुड नॉट बी मोर देन तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो बोथ बंडल्स दे आर इन पॉकेट और द प्राइस रेंज और द इनकम रेंज ऑफ द कंज्यूमर और लेकिन अब इसमें से अगर वो इस बंडल को परचेज कर रहा है जो कि बंडल वाई से उसने अफोर्डेबिलिटी में होते हुए वाई वाला बंडल नहीं ख़रीदा तो हम कहेंगे कि दिस बंडल इज़ डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड देन द अदर एक चीज़ अब यहाँ पे अहम है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमने साइन लगाया है ये क्वालिटी का लगाया है और ये साइन हमने लगाया है कि ये इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है तो यहाँ से अगर हम असेस करें तो पॉसिबल है कि वो बंडल जो उसने परचेज किया है एक्स कम्बिनेशन का वो वाई के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट जो कि कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस की बेस पे इस बंडल को परचेज कर रहा है अब इसी फॉर्म को अगर हम एक डायग्राम की शक्ल में देखें तो हम कहते हैं कि जो बंडल का कम्बिनेशन x1 x2 का है जो कि कंज्यूमर ने पसंद किया है तो दैट इज़ कॉल्ड रिवील्ड प्रेफर्ड दूसरे बंडल y1 y2 के हालांकि वो उसको भी खरीद सकता था अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला बंडल जस्ट एग्जैक्ट बजट लाइन के ऊपर मौजूद है और हालांकि जो बंडल y1 y2 है ये उसकी विद इन बजट लाइन है तो वो इसको भी परचेज़ कर सकता था और अगर हम देखें तो इनके दरमियान में ये जो गैप है इट मीन इस गैप के दौरान में जो इनकम का एक पोर्शन कंज्यूमर के पास रह जाना था या बच जाना था वो एक एडिशनल बनता था लेकिन इसके बावजूद उसने उसको परचेज़ किया है उस बंडल को जिसके लिए उसने उसकी तरजीह थी इसीलिए वो तमाम बंडल्स जो इस शेड एरिया के अंदर आ रहे होंगे वो ज़रूरी नहीं वो ये हो इसके अलावा और भी बहुत से बंडल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे हम कहेंगे कि दे आर रिवील्ड वर्स एज कंपेयर टू दिस बंडल दैट वाज जस्ट ही परचेज तो ये उसका हम कहलाएंगे तमाम बंडल मीन जिनको उसने रिजेक्ट कर दिया है और ये है उसका जो प्रेफर्ड सिलेक्टेड बंडल इसके लिए उसने अपनी तरजीह को अपनी परचेज के जरिए अपनी सिलेक्शन के जरिए वाजिया कर दिया है तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस हैज़ एक्सप्रेस विदाउट एनी प्राइस और इनकम और एनी अदर डाटा थ्रू द परचेज कंबिनेशन ऑफ द कंज्यूमर द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर थैंक